नमस्कार, वीकेबी न्यूजच्या स्पेशल रिपोर्टमध्ये आपलं स्वागत. बिलगेट्स या नावाला वेगळ्या ओळखीची काहीच गरज नाही. आपल्या सामाजिक कार्यासाठी देखील ते जगभर फिरत असतात आणि सगळ्या सुखसुविधा त्यांच्या पायाशी लोळण घेत असतात. असे असताना देखील अब्जाधीश बिलगेट्स यांना चक्क नागपुरातील चहा विक्रेत्याच्या चहाने भुरळ घातली. त्यांनी चक्क त्या चहा विक्रेत्याला आमंत्रित करून डोळ्यासमोर चहा बनवताना पाहिले आणि त्याचं कौतुक करत खुद गेट्स यांनी इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला. यावर डॉली यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ते या स्पेशल रिपोर्टमध्ये बघूया. नागपुरातील सदर परिसरातील डॉली चहावाला हा मागील अनेक वर्षापासून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध आहे. त्याचे मोठे फॅन फॉलोइंग असून चहा बनविण्याच्या त्याच्या हटके स्टाईलमुळे त्याचे व्हिडिओ व रील्स मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात. गेट्स यांना सोशल माध्यमातूनच त्याच्याबद्दल कळाले व त्यांनी एका हिल स्टेशनवर त्याला आमंत्रित केले. डोळ्यासमोर चहा बनवताना पाहिले आणि त्याच्यासोबत चाय पे चर्चा करत त्याच्या कौशल्याबाबत कौतुक केले आणि खुद गेट्स यांनी इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला. बिल गेट्स यांच्या भेटीबाबत बोलताना डॉली चहावाल्याने सांगितलं की मला अजिबातच माहीत नव्हते की तो कोण आहे. मला असे वाटले की एक परदेशी व्यक्ती आहे आणि एका परदेशी व्यक्तीला मी चहा देत आहे. मी नागपूरला परत आलो तेव्हा मला समजले की डॉलीने कोणाला चहा पाजला. मैं सिर्फ गया था अपने इवेंट के लिए, काम के लिए गया था, चाय के लिए. मेरा एक वीडियो था वहाँ पे जो मेरे को बुलाए थे. वहाँ पे मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं. वहाँ पे मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके. मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था. कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, जबलपुर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया, बड़ा मजा आया वहाँ पे. हैदराबाद का मेरे को बहुत मजा आया हैदराबाद में. कब हुआ था ये शूट? 3 दिन पहले. अच्छा, और उस समय क्या बता के आप नागपुर से गए थे? मैं वहाँ पे मेरे को बुलाए थे, उनकी टीम थी एक, वो टीम ने मेरे को बुलाए थे और मेरे को बोले डॉली आपका कुछ वहाँ पे जो चाय का है वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा. बोले तो ठीक है, बोला मैं आता. बोला तो फिर मेरे को उनकी टीम की तरफ से जाना पड़ा और फिर मैं हैदराबाद गया. फिर वहाँ पे एक होटल में मेरे को रुका है, फिर सर्विस अच्छी दी है, यानी अच्छा लगा मेरे को होटल में. फिर मेरा वहाँ पे पहले दिन आधा शूट हुआ और अगले दिन आधा शूट हुआ, यानी सेकेंड टाइम गया था तब पूरा एग्जैक्टली वो शूट पूरा हो गया कम्प्लीट. आपकी जो स्टाइल है ये आपको कब पता चला कि बिल गेट्स है? मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि जो फॉरेन कंट्री के जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, 8 लोग थे फॉरेन कंट्री के, तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि उसमें से जो आप लोग. अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा कि जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है तो ये बहुत बड़ी हस्ती है. बोले ये अगले दिन मेरे को पता चला. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं नागपुर से डॉली चाय वाला बना हूँ. मैं कुछ बातें मेरी कुछ भी बातें नहीं है. जो टीम थी मेरे को टीम ने जो बोले कि बस डॉली आपका काम ये है, बस मेरे को अपना काम करने का है और मेरे को अपना 100 देना था काम पे, तो मैंने बस वही काम किया. तब मेरे सामने खड़े थे, मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा फॉरेन कंट्री का बंदा खड़ा है, तो मैंने उनको चाय पिलाया बस. आपको नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता. आपके स्टाइल के बारे में बताइए, कब से आप ये कर रहे हैं? शुरू में आपके दिन कैसे होते? हाँ जी हाँ, शुरू में मेरे दिन बहुत बेकार थे. मैं यहाँ पे अपना साइकिल से आता था और ये हमारे जो बड़े भैया है, सबसे पहले तो शैलेश भैया ने शॉप चालू किए और फिर धीरे धीरे 2007 से मेरी एंट्री हुई यहाँ पे. फिर धीरे धीरे मैं अपना कप्तान जैक स्पैरो, जॉनी टेप, उनको भी फॉलो किया मैंने और उसके बाद में मैंने अपना साउथ की मूवियाँ बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं. साउथ में रजनीकांत जी जो भगवान मानते हैं उनको, और मैं भी भगवान ही मानता हूँ उनको, तो जो उनका दुपट्टे का स्टाइल, मेरा गिलास उठाने का स्टाइल, मैं थोड़ा थोड़ा कॉपी करता सबको. तो क्या भविष्य में रजनीकांत को चाय पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाएंगे. अभी तो एक ही ख्वाहिश है मेरी वाली कि अभी देखो इतने आप लोगों ने मेरे को अगले दिन पता चला कि जो मैंने चाय पिलाया ये बहुत बड़े आदमी है. अब मैं सिर्फ एक ही ख्वाहिश है मेरी वाली कि और एक बंदे को मैं चाय पिलाना चाहता हूँ, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको चाय पिलाना चाहता हूँ बस. उनको भी पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे. नमस्कार, वीकेबी न्यूजच्या स्पेशल रिपोर्टमध्ये आपलं स्वागत. बिलगेट्स या नावाला वेगळ्या ओळखीची काहीच गरज नाही. आपल्या सामाजिक कार्यासाठी देखील ते जगभर फिरत असतात आणि सगळ्या सुखसुविधा त्यांच्या पायाशी लोळण घेत असतात. असे असताना देखील अब्जाधीश बिलगेट्स यांना चक्क नागपुरातील चहा विक्रेत्याच्या चहाने भुरळ घातली. त्यांनी चक्क त्या चहा विक्रेत्याला आमंत्रित करून डोळ्यासमोर चहा बनवताना पाहिले आणि त्याचं कौतुक करत खुद गेट्स यांनी इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला. यावर डॉली यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ते या स्पेशल रिपोर्टमध्ये बघूया. नागपुरातील सदर परिसरातील डॉली चहावाला हा मागील अनेक वर्षापासून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध आहे. त्याचे मोठे फॅन फॉलोइंग असून चहा बनविण्याच्या त्याच्या हटके स्टाईलमुळे त्याचे व्हिडिओ व रील्स मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात.
गेट्स यांना सोशल माध्यमातूनच त्याच्याबद्दल कळाले व त्यांनी एका हिल स्टेशनवर त्याला आमंत्रित केले. डोळ्यासमोर चहा बनवताना पाहिले आणि त्याच्यासोबत चाय पे चर्चा करत त्याच्या कौशल्याबाबत कौतुक केले आणि खुद गेट्स यांनी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला. बिल गेट्स यांच्या भेटीबाबत बोलताना डॉली चहावाल्याने सांगितलं की मला अजिबातच माहीत नव्हते की तो कोण आहे. मला असे वाटले की एक परदेशी व्यक्ती आहे आणि एका परदेशी व्यक्तीला मी चहा देत आहे. मी नागपूरला परत आलो तेव्हा मला समजले की डॉलीने कोणाला चहा पाजला. मैं सिर्फ गया था अपने इवेंट के लिए, काम के लिए गया था, चाय के लिए. मेरा एक वीडियो था वहाँ पे, जो मेरे को बुलाए थे वहाँ पे. मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पे. मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके. मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था. कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, जबलपुर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया, बड़ा मजा आया वहाँ पे. हैदराबाद का मेरे को बहुत मजा आया हैदराबाद में. कब हुआ था ये शूट? 3 दिन पहले. अच्छा, और उस समय क्या बता के आप नागपुर से गए थे? मैं वहाँ पे, मेरे को बुलाए थे, उनकी टीम थी एक, और टीम ने मेरे को बुलाए थे और मेरे को बोले डॉली आपका कुछ वहाँ पे जो चाय का है वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा बोले. तो ठीक है बोला, मैं आता बोला. तो फिर मेरे को उनकी टीम की तरफ से जाना पड़ा और फिर मैं हैदराबाद गया. फिर वहाँ पे एक होटल में मेरे को रुका है, फिर सर्विस अच्छी थी, यानी अच्छा लगा मेरे को होटल में. फिर मेरा वहाँ पे पहले दिन आधा शूट हुआ और अगले दिन आधा शूट हुआ, यानी सेकेंड टाइम गया था तब पूरा एग्जैक्टली वो शूट पूरा हो गया कम्प्लीट. आपकी जो स्टाइल है ये आपको कब पता चला कि बिल गेट्स है? मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि जो फॉरेन कंट्री के जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, 8 लोग थे फॉरेन कंट्री के, तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि उसमें से जो आप लोग. अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा कि जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है तो ये बहुत बड़ी हस्ती है बोले. ये अगले दिन मेरे को पता चला. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं नागपुर से डॉली चाय वाला बना हूँ. क्या बात हुई थी? मैं कुछ बातें, मेरी कुछ भी बातें नहीं है. जो टीम थी, मेरे को टीम ने जो बोले कि बस डॉली आपका काम ये है, बस मेरे को अपना काम करने का है और मेरे को अपना 100 देना था काम पे. तो मैंने बस वही काम किया. तब मेरे सामने खड़े थे, मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा फॉरेन कंट्री का बंदा खड़ा है, तो मैंने उनको चाय पिलाया बस. आपको नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता. आपके स्टाइल के बारे में बताइए, कब से आप ये कर रहे हैं? शुरू में आपके दिन कैसे हुए? हाँ जी हाँ, शुरू में मेरे दिन बहुत बेकार थे. मैं यहाँ पे अपना साइकिल से आता था और ये हमारे जो बड़े भैया है, सबसे पहले तो शैलेश भैया ने शॉप चालू किए और फिर धीरे धीरे 2007 से मेरी एंट्री हुई यहाँ पे. फिर धीरे धीरे मैं अपना कप्तान जैक स्पैरो, जॉनी टेप, उनको भी फॉलो किया मैंने और उसके बाद में मैंने अपना साउथ की मूवियाँ बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं. साउथ में रजनीकांत जी जो भगवान मानते हैं उनको, और मैं भी भगवान ही मानता हूँ उनको, तो जो उनका दुपट्टे का स्टाइल, मेरा गिलास उठाने का स्टाइल, मैं थोड़ा थोड़ा कॉपी करता सबको. तो क्या भविष्य में रजनीकांत को चाय पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाएंगे. अभी तो एक ही ख्वाहिश है मेरे वाली कि अभी देखो इतने आप लोगों ने मेरे को अगले दिन पता चला कि जो मैंने चाय पिलाया ये बहुत बड़े आदमी है. अब मैं सिर्फ एक ही ख्वाहिश है मेरी वाली कि और एक बंदे को मैं चाय पिलाना चाहता हूँ, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ उनको चाय पिलाना चाहता हूँ बस. रजनीकांत को नहीं पिलाएंगे? उनको भी पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे. थैंक यू.